एक तो हमें एक बात को समझने की जरूरत है कि आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की पावर है, ये जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उतनी पावर थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा मुख्यमंत्री की पावर हमेशा सेम ही रहती है। अब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार ये हल्ला करते हैं कि हमारी पावर नहीं है, और ये जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं इनको बदलने की, इनको ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर हमारी नहीं है। तो हमारे दिल्ली के पास में कोई अपना सर्विस कमीशन नहीं है। हमारे दिल्ली के जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं ये सारे यूटी कैडर के होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये सारे यूटी कैडर के लोग, कोई असम चला जाता है, कोई कोई अपना नॉर्थ ईस्ट चला जाता है, कोई अपना पौंडीचेरी चला जाता है, कोई गोवा चला जाता है। तो अब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे ये तय करेंगे कि कौन असम जाएगा, कौन गोवा जाएगा, कौन पौंडीचेरी जाएगा? तो इसलिए दिल्ली का कोई अपना कैडर नहीं है। दिल्ली अपना यूनियन टेरिटरी है, भारत की राजधानी है, ये हमारे राष्ट्रपति द्वारा अपना संचालित होती है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई भी पावर को कम नहीं किया गया है, बल्कि उनकी पावर को बढ़ाया गया है। एक हमारे भारत सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है जिसका चेयरमैन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाया गया है, और जो भी फैसले होंगे वो उसी कमेटी द्वारा लिए जाएंगे। तो इससे ज्यादा अधिकार तो इससे पहले के मुख्यमंत्री को कभी नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुश होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को खुश होना चाहिए कि उन्हें इतना अधिकार दिया है भारत सरकार ने, और ना कि वो इस तरीके से रोने का जो ड्रामा कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल की कॉपी भी कही जा रही है कि सब लोगों तक पहुंचाई गई है, एमपीस तक दी गई है, कि बिल किस तरीके से इंट्रोड्यूस है, बिल की क्या क्या डिटेलिंग रखी है। इस बिल में जो मैंने कहा कि मुख्य बात है कि एक वो कमेटी बनाई है, नेशनल कैपिटल अपना सर्विस कमीशन अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी में अपना 3 सदस्य होंगे और उसके चेयरमैन होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जो भी मेजोरिटी से फैसला लिया जाएगा आईएएस आईपीएस के अपना जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के संज्ञान में होगा। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो इतना अधिकार उनको दिया जाना, क्योंकि अभी कोई भी नया बिल ऐसा नहीं लेके आ रहे, कोई भी ऐसी नई पावर को चेंज नहीं कर रहे, केवल उसकी जो भाषा है उसको ठीक किया जा रहा है। और ये हमेशा से संविधान में 1991 का जो एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार को अधिकार है कि दिल्ली की अपना जितनी भी पावर है उसके ऊपर कोई भी फैसला लेने का अधिकार भारत सरकार को है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बार बार ये कहते हैं कि मेरे अधिकार छीन लिए गए, तो ऐसी कोई ना हमारी मंशा है और ना ऐसा ही हमारे इस बिल में है। इंडिया जो करके अपोजिशन में अपने आप के खिलाफ है, जो अपोजिशन का है इंडिया अरविंद केजरीवाल के साथ इस बिल के खिलाफ खड़े होने की बात है। देखिए, ये क्या एक अपना प्रोपेगेंडा बनाया है कि ये जो अपना बिल लेके आ रहे हैं ये कोई किसी मुख्यमंत्री के अधिकार को छीना जा रहा है। मेरे खुद के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद में मदनलाल खुराना जी थे, और अपना सुषमा स्वराज जी थी, शीला दीक्षित जी थी। तो इन सारे मुख्यमंत्रियों के पास भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते थे, इतने अधिकार किसी के पास भी नहीं थे जितने अधिकार आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए जा रहे हैं। तो इसलिए ये अपना, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और वो सारी अपोजिशन पार्टी, क्योंकि उनके खिलाफ में कोई ना कोई केसेस चल रहे हैं, कोई जमानत पे बाहर है, कोई जेल जाने वाला है, कोई जेल चला गया है, तो ये जो डर है उनको अपना करप्शन का सारा जो डर है जेल जाने का, ये सब उनको एक अपना जोड़े हुए है। और इसीलिए मैं अपना ये जानता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी दिल्ली वासियों के हक में ही कोई कार्य करेंगे, और ये जो हो रहा है अब आप देखिए, इससे पहले क्या था कि दिल्ली के जो हमारे मुख्य सचिव थे अंशु प्रकाश जी, एक दिन वो अपना मुख्यमंत्री के घर जाते हैं और मुख्यमंत्री अपने विधायकों द्वारा उनकी पिटाई करा देते हैं। अब इतना बड़ा अधिकारी जो अपना दिल्ली का मुख्य सचिव है, उसकी पिटाई अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर होती है, तो कैसे उनको अधिकार दे दें कि आप कि उनके साथ में कुछ भी अपना बिहेव करें? अगर उन्होंने शराब पॉलिसी लेके आए, उसमें घोटाला है, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अधिकार मिलता है तो वो सबसे पहले उन्हीं अधिकारियों को हटा देते हैं जो उसके अपने घोटाले की जांच कर रहे हैं। तो इसलिए उनको कोई भी अधिकार देना, सारे अधिकार देना, सिंगल हैंडली देना, ये मैं समझता हूं दिल्ली के हक में नहीं होगा।